क्योंकि काफी विलंब हो चुका है और भैया जी का आदेश है कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। तो प्रदीप भैया ध्यान दीजिए, हाँ भैया, एक गाना बजा हो जाए। कौन सा भैया? मोहब्बत की है जो वफाए भी करना, कभी ना जुदा होए ये दुआए भी करना करना। आज जो हमारे बीच में केएस म्यूजिक के मालिक हैं प्रदीप भैया, आज उनका जन्म दिवस है और आज वो 45 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं। जय हो। तो मैं चाहूंगा एक बार जितनी भी भक्तियां बैठे हैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज उनका जन्म दिवस है और हमारे प्रदीप भैया की बात पर वो आज यहाँ मौजूद है। तो आइए कहना है कि जा रहे हो लौट के आना, जा रहे हो लौट के आना, एक तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने। ये जो केएस म्यूजिक प्रोडक्शन है इसकी मालिक हमारी नंदी बिटिया कसी जी हैं, जिन्होंने मेरे ये लेटर भेजा गुल लेकर अपने हाथ से। आइए प्रदेश को आदरणीय चाचा जी जय माता दी। एक बेटी अपने परिवार जनों से कुछ, एक बेटी अपने परिवार जनों को कुछ नहीं दे सकती है, तो सिर्फ सम्मान सदा परिवार गर्व करे बेटी पर। मैं आज अपने लिए आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर मम्मी पापा जैसे ही मेरे मम्मी पापा मुझे यही मिले, जिनके मुझे लोग संसार में पहचान रहे हैं, इनका कहना है आज मैं जो भी कुछ हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा इस जन्म में मिले हैं, जब जब मैं धरती पर जन्म लूँ तो सज्जे भैया और आदरणीय भाभी जी के परिवार में ही जन्म लूँ। तो आइए मैंने एक किस्मत लेने भी लिखी है जो समय मिलने पर सुनाऊंगा जरूर। तो कहना है जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हम दीवाने। और एक पुष्पमाल और 21 रुपए का सगा भैया की ओर से आया है, तो ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो पार्टी से 1,00,000 धन्यवाद है। और कहना है हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। ये तो बात रही फिल्मी दुनिया वालों की, लेकिन अपना कहना क्या है प्रदीप भैया, जब इस धरती पर दैत्यों ने आतंक बचाया, सभी देवताओं ने मिलकर के इस माता रानी को प्रकटाया, तो बताता हूं कि किसने क्या क्या दिया जो इस माता रानी को धरती पर आया, माता रानी आई है। देवों का तेज मां के, क्या हुआ?
वीरताओं ने मिलकर इस माँ को बनाया है। अस्त्र शस्त्र भूत अस्त्र शस्त्र देवों से माता ने पाया, अस्त्र शस्त्र जो ही देव देवताओं ने माता को दिए हैं। भूषण भूषण माने झलक से है पाया, सूर्य देव ने लाल चुंदरी उड़ाया। कहीं भी भैया सूर्य देव मिलते हैं, कहीं भी वरुण देव भी मिलते हैं, तब कह रहा है हिमगिर तेरा कृत्य है माना, जब ये मां बन गई तब हिमगिर तेरा कृत्य है माना, सिर सवारी जान जमाना, लगे देवता सर झुकाने और जब ये मां बन गई और जब ये चलने लगी, लगे देवता सर झुकाने। तो हम दीवाने पढ़ते भैया, हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे, जब माँ आ गई और जिसने भी सुमा की मूर्त को देखा साक्षात विराजमान है। तो हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे, अब आइए चलते द्वापर त्रेता में। जब मूली का सुर आतंक बचाने लगा भैया, किसी के बस की बात नहीं, भगवान राम भी जब हार गए तब माता सीता ने काली का भेष बनाया। क्रोध की ज्वाला फड़की, माता सीता को काली बनना पड़ा। विचलित पहले हुआ मत चकराई, रूप देख भाई कपी राई रघुराई, राई रघुराई, राई रघुराई। जब माता ने मूली का सुर को मार दिया तो सभी देवता राम लक्ष्मण हनुमान विनती करने लगे, बदलो मैया अपना पाना, बदलो मैया अपना पाना, रूप दिखाओ शरद सुहाना, शक्ति की शक्ति पहचाने हैं। हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं, दीवाने सब दीवाने सब दीवाने हैं।
दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे। भैया चलते हैं द्वापर की तरफ। जब कंस को मार दिया कन्हैया जी ने वंदी गृह से वसुदेव और देवकी को जब निकाला तो सबसे पहले मां यशोदा का आवाज पूरा करने के लिए उनके पास जाते हैं तो ये यशोदा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल गया लेकिन मुझे मेरी पुत्री नहीं मिली है। तो सब लोग पहुंच जाते हैं माता मध्याचल और जाकर के वहां विनती करते हैं माता से विध्याचल जब पहुंच जाते हैं और माता रानी से विनती करते हैं कंस के दर से छूटी भवानी छूटी भवानी छूटी भवानी जाके बनी विद्या चली की एक बार सूरत दिखलाना एक बार सूरत दिखलाना मन में मेरे प्रीति बसाना तेरे साथ आए तेरे घर आने हैं तो हम दीवाने दीवाने सब दीवाने हैं तेरे दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे हम दीवाने सब दीवाने सब दीवाने अंतिम पंक्तियों में कहना भैया मुहूर्त में सूरती अभी माता रानी की नवरात्रि में है घर घर में गली गली में माता रानी की जयकारे हो रही है। तब कहना है भक्त फल फूल चुनरी नारियल चढ़ाते हलवा चना का तुमको होगी लगाते ज्ञानी ज्ञान की बात न जाना ज्ञानी ज्ञान की बात न जाना हमको सच्ची राह दिखाना तेरी शक्ति के ना पैमाना
हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने 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 हैं तेरे हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे ओ बोलो हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे हम दीवाने तुम दीवाने सब दीवाने हैं तेरे बड़े भैया प्रदीप भैया अपने सक्षम साथी के साथ वैकुंठ लोक से विष्णु जी ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी और पृथ्वी लोक से प्रकाश पार्टी आपको शुभ सुनाई देते हैं हमारे भैया श्री जीएस वीडियो वाले भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और भगवती भैया आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आपकी जो बिटिया है उसकी कृपा हम पे बनी रहे आपकी बिटिया की कृपा हम पे बनी रहे भाई क्योंकि वो देवी है हमारे लिए वो देवी है और उस देवी की कृपा हम पर बहुत जरूरी है और जितनी बैठी सब देवियां तो बैठी हैं यहाँ पर सब देवियां हैं इन सब देवियों की कृपा मुझ पर बनी रहे ये जानता हूँ भैया आप भी अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखें हमेशा हमेशा अपना वर्ध स्तर भी हटाइएगा नहीं भैया मुझे ऐसा भी गलती हो जाती है बच्चे हैं बच्चों से गलती होती है आप लोगों से गलती नहीं हो सकती तो बस कृपा बनाए रखिए अपनी बेटी से भी कह दिया करके भी हमें भी आशीर्वाद दे दिया करो भैया हम भी कुछ हैं सबके लिए कह देते रहते हो हमें बच्चे तरह जाते हैं आसपास चले कोई ठीक हाँ करा दे रहा तो भैया का जवाब दे रहा हूँ पहले श्री ज्ञानी जी का जवाब हालांकि जवाब देने काबिल तो नहीं हूँ फिर भी जैसा बन जाए स्वीकार कर लीजिएगा जैसा बन जाए लेकिन लेकिन एक बात कहूंगा जरूर हमारी भाभी जी बैठी हैं उनको मेरा प्रणाम है आपके चरणों में नमन है भाभी माँ है मेरी माँ के समान है मेरी जितनी बहनें बैठी सबको मेरा प्रणाम है लेकिन एक बात जरूर कहूंगा क्योंकि जवाबी बड़ी शालीनता से होगा कोई कटाक्ष नहीं कोई ऐसी बात नहीं पर थोड़ा सा कटाक्ष जरूर करूंगा क्योंकि आपने जो आपने बोले बोला मध्यांचल फिर आप विद्याचल तो वो थोड़ा सा उसको जरा सही कर लीजिएगा ये मेरी विनती है आदेश नहीं दे सकता मैं क्यों गुरु जी महाराज आदेश नहीं मेरा आपसे मैं तो आपसे ये कहता हूँ मैंने हमेशा कहा था भैया अपना अच्छा हाथ बनाइए बढ़िया करके खूब आगे बढ़िए ताकि हमें भी गर्व हो कि मेरा कोई भाई आगे बढ़ रहा है मुझे खुशी होती है कि मेरे क्षेत्र से ज्ञानी भैया हैं अब नए नए कलाकार जी राजवीर यादव जी आगे बढ़े खूब बढ़े ये मेरी तमन्ना है और इनके पीछे पीछे मैं ये लगा रहा इनके पीछे पीछे लगा रहा तो आइए सुनिए भैया जी ने गाया क्या गाया बजा रहे हो अभी नई उम्र है अच्छा बजा रहे हो भैया ने गाने के लिए बड़ी सी विशेषता है चार यूं लगे यहाँ के लोग जवाबी सुनने वाले लोग सिंगल भी सुनते रहते हैं जवाबी आपने बहुत सुने यहाँ के लोगों ने शुरुआत मेरे से यहाँ पर शायद हुई थी यहाँ पर इस जगह पे आगे नहीं कह रहा हूँ श्री राम अवतार जी श्री जंजल जी श्री व्याकुल जी श्री अखिल भाई बहुत लोगों ने गाया यहाँ पर काफी लोग आ चुके हैं भैया ने मुझे हर बार लगाया कृपा है भैया की तो जवाबी आपने सुना है भैया की विशेषता है चार युग
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और चार युगों में आपने जो दर्शाया बड़ा अच्छा दर्शाया कि जो भगवती सामने विराजमान है जिसके आप देख रहे हैं, इनको देवताओं ने प्रगटाया बनाया अपने तेज से। जैसे शंकर जी के मुंह से निकला तेज, शंकर जी के मुंह से निकला तेज तो माता का चेहरा बन गया। सामने बैठी है भगवान विष्णु के मुंह से निकला तेज तो माता की भुजाएं बन गई, यमराज के मुंह से निकला तेज तो माता के केश बन गए, चंद्रमा के मुख से निकला तेज तो माता के स्तन बने, वरुण देवता से माता की जंघा बन गई, पृथ्वी के तेज से नितंब, इंद्र देवता के तेज से मध्य शरीर, और सूर्य भगवान के तेज से हाथों की पैरों की उंगलियां, और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां माता की बनी, और राजा दक्ष प्रजापति के तेज से माता के दांत दांत बने। इससे प्रजापति राजा दक्ष, फिर वायु के तेज से कान बने, वायु के तेज से माता के कान बने, कुबेर के तेज से माता की नाग बनी, संध्या के तेज से भौहे बनी, अग्नि के तेज से माता की आंखें बनी। भैया ने बताया था, और शेर किया हिमालय पर्वत ने माता को, और शेर का नाम है सोमनंदी, ये बता रहा हूं सोमनंदी जो माता पे शेर, और शेरों के नाम मैंने पूछी नहीं, अगर मैं उनसे नाम पूछने जाता हूं मेरा नाम पहले पूछते हैं कि तेरा नाम क्या, पहले ये बता अंदर आके पूछ, अगर पूछना है तो मैंने उनके नाम नहीं पूछे, मेरे गुरुजी ने बताया कि शेर जो माता पे है इसका नाम है सोमनंदी। तो भैया जी का जवाब दे रहा हूं, कैसे बन पाए स्वीकार कर लीजिए बस। वो वंदना हो नहीं पाई, अभी करवा देंगे, करवा दूंगा भैया, चिंता ना करना, रेडी है भैया। इंद्र का जिस दम मन था बुराना, इंद्र का जिस दम मन था बुराना, तो ललिता मां को पड़ गया आना, ललिता मां को पड़ गया आना, माता की महिमा परम सुहानी है, क्योंकि मां भवानी मां कल्याणी मां पर्वत की रानी है। भैया जी सुनने की बात है, मां भवानी मां कल्याणी मां पर्वत की रानी है, मां भवानी मां कल्याणी मां पर्वत की रानी है, मां कल्याणी मां भवानी मां पर्वत की रानी है। ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह रहे हैं, माँ भवानी माँ कल्याणी पर्वत की रानी आ गई, भैया ध्यान देना जवाब, केवल कोशिश है जवाब। भैया जी ने कहा कि जवाब जैसा बन पाता है व्यक्ति देना जरूर है, प्रदीप जवाब कैसा दे रहा हूँ, खून से मां बनी महामाया, तब दस ना खून से मां बनी महामाया। सुनिए, एक युग में तीन युग का रूप दिखाया, रूप दिखाया ललिता देवी। आपने देखा होगा कि जब भंडासुर की बात आ रहे हैं, वो भंडासुर जब रावण बना, हिरणाक्ष बना, कंस बना,
तो वैसे ही माने अवतार प्रकट कर दिए नाखूनों से, अपने नाखूनों से अवतार। जिसने आपने अवतार वाली बात कही तो मैं भी वैसे ले रहा हूँ। सफाया तो मिट गया तब वो अभिमानी, माँ की महिमा बड़ी सुहानी, मदरस दिखाने आई है माँ कल्याणी, जग जग भवानी पर्वत की रानी आ गई। अब जैसे आपने गाया कि भी युग लगाया तो सचिव में मैंने भंडा सुर की बात दिखाई। भंडा सुर ऐसा राक्षस था, इतना मायावी था वो, जब वो रावण पड़ा था तो माता अपने नाखून से राम अवतार राम को प्रकट कर देती थी। जब वो हिरणाक्ष बनता था तो हरि प्रकट हो जाते थे, जब वो कंस बना तो कृष्ण प्रकट हो गए। नाखूनों से अवतार हुए हैं 10 अवतार। ऐसी त्रेता में आगे बात दिखा रहा हूं आपको छोटी सी। त्रेता के अंदर भी चमत्कार क्या, रघुराई को अपना तरस दिखाया। त्रेता में अवतार, एक अवतार ऐसा हुआ समाया, उनका नाम बता रहा हूं कौन है वो बताइए। त्रिकुटा देवी को नाम कहाया, त्रिकुटा देवी जिसको लोग आज वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। शक्ति एक यानी तन एक है, तन एक है और तीन तीन शक्तियां, शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। श्रीमान जी जिन्होंने भैरव का वध किया था, आज भी भैरव गाती है। कभी जाकर जब आप जाते हैं वैष्णो देवी तो एक नियम बना हुआ है कि जब तक भैरव घाटी के दर्शन ना कर लें तब तक यात्रा संपन्न संपूर्ण नहीं होती है। आज भी पूर्णागिरी जाते हैं सिद्ध बाबा के दर्शन ना कर लें तो यात्रा संपन्न संपूर्ण नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर बात चल रही है, सुनिएगा। कहती अरे देवी तो शक्तिमानी, महिमा जिसकी प्रभुत्व सुहानी, दर्श दिखाने आ गई माँ ब्रह्मानी, कमला कल्याणी, गौरा रानी आ गई। माँ भवानी यानी कि माँ ब्रह्मानी, कमला रानी और गौरा भवानी आ गई। फिर आइए द्वापर में कि भैया जैसा गीत भैया ने दिया वैसा जवाब देना पड़ेगा। सुनिए द्वापर के अंदर भीम को डराया,
द्वापर के अंदर बहन को किसने काली का द्रौपदी ने रूप बनाया द्वापर के अंदर बहन को डराया और काली का द्रौपदी ने रूप बनाया। जैसे भैया बता रहे हैं सीता जी काली बनी, ऐसे एक बार द्रौपदी भी काली बनी। तो श्रीमान सुनिए, देवी अद्भुत पुरानी देवी अद्भुत पुरानी महिमा जिनकी बड़ी सुहानी खाने आ गई तुम मां कल्याणी देवी भवानी पर्वत की रानी आ गई मां कल्याणी देवी भवानी पर्वत की रानी आ गई मां कल्याणी देवी भवानी पर्वत की रानी आ गई मां भवानी देवी कल्याणी पर्वत की रानी आ गई। आइए कलयुग की बात थोड़ी सुना रहा हूं मैं आपको। आइए अब देखिए, अच्छा अच्छा ना बता बेटा शिवराज भूखिया था नन्ना मुन्ना बच्चा है, माता कल्याण करें तैयार कहीं दृष्टि बनाए रखी है। चिराग और अंश आपने भी क्या रुपए दिए हैं भैया? चिराग भाई अंश जी और श्री शिव मंदिर वाले छावनी बरेली से पंडित दिनेश कुमार शर्मा जी और ये क्या लिखा पंडित जी नीचे क्या लिखा है? अच्छा अच्छा भोगी राम 84 हट्टा मंदिर वाले की अरदास आई है। आखिरी बात सुन, कलयुग में माता बन गई भवानी माता को बन गई भवानी। मैं बात कर रहा हूँ वही पूर्णागिरी वाली बात, जिसे वैष्णो वाली बात तो मैंने कह दी, त्रेता की बात मैंने कह दी। अब बात आई है पूर्णागिरी में, आप जब गए होंगे कभी भी तो आपने देखा होगा कि माता का एक अंग वहां पर गिरा, वो नाभि गिरी थी। पूर्णागिरी पहाड़ पर माता की नाभि गिरी। ये मेरे बड़े भैया श्री आदरणीय हमारी पीटिया रानी कशिश की ओर से 51 रुपए का मुझे आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवराज पूत की अरदास फिर 10 रुपए दिए, धन्यवाद। और हमारे संजय भैया भी पीटिया रानी की ओर से हमें आशीर्वाद मिला है 51 रुपए का, कोटि कोटि धन्यवाद भैया को है। आइए, तो आपने देखा होगा कि वहां पर नाभि गिरी थी माता की, कुंड बन गया क्योंकि माता की नाभि गिरी है, पहाड़ धस गया। आज इसको बंद कर दिया लोगों ने, आज वहां पर प्रतिमा रख दी माता रानी की। क्योंकि हमारे जब पहले लोग जाते थे पैसा डालते थे उस कुंड में, तो पैसा नेपाल जाता था सीधे, तो इसलिए बंद कर दिया कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, नेपाल ना जाए। फिर एक बार वही पूर्णागिरी वाली माता जब श्रृंगार करने को बैठी तो एक सिद्ध पधारे, एक सिद्ध पधारे माता रानी के पैर छूने को आए। जब माता की सुंदरता को देखा तो मन में खोट पैदा हो गया, तो माँ ने ऐसी लात मारी कि वो नेपाल में जाके गिरे सीधे जाके। जब उन्होंने सोचा कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है कि एक ही लात में नेपाल में आउट ऑफ कंट्री, तो जय माता दी करने लगा। तो माता ने वरदान दिया कि जब जब कोई मेरे दर्शन करने आएगा और जब तक तेरे दर्शन नहीं करेगा यात्रा सफल नहीं होगी। आज भी लोग जाते पूर्णागिरी सिद्ध बाबा के दर्शन ना करें यात्रा सफल नहीं होती है, तो आई उनकी थोड़ी बात कह रहा हूं। पूर्णागिरी पर्वत पे अन्नपूर्णा भवानी Oh, my God.
कहते पूर्णागिरी वाली मैया, उनका नाम अन्नपूर्णा है। वास्तव में नाम उनका क्या है? अन्नपूर्णा। पूर्णागिरी वाली मैया है, पूर्णागिर माने पर्वत, उस गिर पे विराजमान है, तो पूर्णागिर वाली मैया है, नाम तो अन्नपूर्णा है। और जब उन्होंने शिव बाबा को वरदान दिया तो आज भी नाता की है ये नादानी। नाता की है ये नादानी, लगली महिमा बड़ी सुहानी, तो तरस दिखा लिया गई। कलयुग तक में साक्षात दर्शन किया किसने किया? मैं उनका नाम बता रहा हूँ, पांडे और तिवारी जी ने, जो पहली बार पूर्णागिरी गए। ये सवाल है कि भैया हम सबको पता कैसे लगा कि यहाँ पर माता का स्थान है? जब कोई जाएगा पहली बार तभी वो बताएगा हम सबको। तो सबसे पहले जिला चंपावत के रहने वाले थे, बोलो जिला चंपावत के रहने वाले थे, पांडे और तिवारी मामा भांजे थे आपस में। वो दोनों गए, उनको माने दर्शन दिया कि तू मेरा प्रचार कर, मैं तेरा नाम कर दूंगी दुनिया में। उन लोगों ने रास्ता ढूंढा, सपने में रास्ता दिखा दिया, माने स्थान ढूंढा और लोगों में प्रचार किया। तो आज भी पांडे और तिवारी ही वहां पे बैठते हैं जहां पर जहां स्थान मां का बना हुआ है, उन्हीं के वंशज हैं वो लोग। इसलिए कहा गया मां कल्याणी अन्नपूर्णा भवानी, पर्वत की रानी आ गई। मां भवानी अन्नपूर्णा भवानी, पर्वत की रानी आ गई। जय करम आई शिरवरदा।